एपीएससी वोटर द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए सर्वे में साफ है कि कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। 42.6% लोग राज्य में कांग्रेस सरकार चाहते हैं, जबकि 40.9% लोगों की पहली पसंद बीजेपी है। 7.5% लोग अन्य दलों को सत्ता देने के पक्ष में हैं। साथ ही 9% लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किसको वोट देना है, जिससे साफ है कि अंतिम समय में ये चुनाव किसी भी तरफ पलट सकता है। जब लोगों से पूछा गया कि अगर आज लोकसभा से चुनाव होते हैं तो वो किस पार्टी को वोट देंगे, तो बीजेपी का पक्ष मजबूत दिखा। कांग्रेस को 37% लोगों का समर्थन मिला, जबकि बीजेपी 50.2% लोगों की पसंद रही। 4.8% लोग अन्य पक्ष में थे, जबकि ऐसे लोग भी भारी मात्रा में थे जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि किस दल को वोट देंगे। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान पीछे दिखाई दिए। 37.1% लोग शिवराज सिंह के पक्ष में दिखे, जबकि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया 42.3% लोगों की पसंद बने। कमलनाथ 8.2% लोगों की पसंद थे, जहां 45.7% लोगों का राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा भी जबरदस्त है, जबकि केंद्र सरकार से 15.3% लोग खफा हैं। मध्य प्रदेश में रोजी रोटी का मुद्दा लोगों के लिए सर्वोपरि है। 22.8% लोगों ने रोजगार और स्थानीय व्यापार को सबसे प्रमुख मुद्दा बताया, जबकि किसानों से जुड़े मुद्दे और पीने का पानी भी लोगों के लिए चिंता का विषय है। शायद लोग मंदसौर में हुए किसान आंदोलन को भूल नहीं पाए हैं। वहीं 59.4% लोग राज्य सरकार को तुरंत बदल देना चाहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार से लोग नाराज नहीं दिखे, केवल 44.3% लोग ही केंद्र में दूसरी सरकार देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री लोग नहीं बदलना चाहते हैं। 56.7% लोग मोदी को पीएम के पद पर देखना चाहते हैं, जो मोदी की लोकप्रियता को साफ दर्शाता है। मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बदले, लेकिन राज्य में जरूर बदलाव चाहते हैं। 44.7% लोग मानते हैं कि राज्य में कांग्रेसी की जीत होगी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मोदी 58.6% लोगों की पहली पसंद है, जबकि राहुल गांधी को 31.6% लोग पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।